सुधी दर्शक जय श्री राम। मित्रों, अगर बात अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन दबा करके ऑल सिलेक्ट करके चैनल को बाद में आप लाइक भी कर देना और मेरे इस संदेश को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो एक अच्छी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। वर्तमान काल में मनुष्य भय के मारे त्रस्त है, भय से जी रहा है। पूरी दुनिया घरों में रहने पर मजबूर हो गई है, कैद हो गई। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, सारे कामकाज ठप पड़े हैं। मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगा, मैं केवल आपको वह बात आज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए ठीक है। मित्रों, हमारे अध्यात्म में, भारतीय अध्यात्म में एक कवच लगाने की परंपरा है। तंत्र शास्त्र में आपको बहुत सारे कवचों के बारे में वर्णन मिलता है, आप लोगों ने देखे होंगे। वर्तमान काल में जब आप लोग भय से जी रहे हैं, ऐसे काल में क्या करना चाहिए? आपको कवच लगाना चाहिए, अपने शरीर पर कवच लगाना चाहिए। लोग साधनाओं में कवच लगाते हैं, साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बुरी आत्माओं से बचने के लिए और शरीर की रक्षा के लिए। और जो शरीर पर कवच लगाया जाता है वह इसलिए लगाया जाता है कि हमारी सुरक्षा हो। अब कवच के बारे में क्या कहा जाता है, कवच क्यों लगाया जाता है? कवच दृश्य और अदृश्य शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। दृश्य शत्रु तो सामने से वार करता है, आपको दिखाई देता है। अदृश्य शत्रुओं में कौन कौन से हैं? जो पीठ पीछे वार करते हैं, छिप करके वार करते हैं, भूत प्रेतादिगण, कोई तांत्रिक प्रयोग, कोई दुष्ट ग्रह और सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, इनसे अपनी सुरक्षा के लिए नित्य प्रति कवच का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है। अब आप कहेंगे कौन से कवच का पाठ करना ज्यादा श्रेष्ठ है? तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी महाविद्या के उपासक हैं तो आप उस महाविद्या का कवच लगा सकते हैं। जैसे आप काली माता के उपासक हैं तो आपको काली कवच लगा लेना चाहिए, अर्थात काली कवच का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। वह भी पूरे सांगोपांग विधि से, विनियोग से लेकर के करन्यास, खड़ंग न्यास, हृदयादि न्यास इत्यादि जो न्यास होते हैं उनका समुचित पालन करते हुए तब कवच का पाठ करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से। तो महाविद्याओं के कवच हो गए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव के भी कई कवच हैं, जैसे कि अमोघ शिव कवच इत्यादि। भगवान गणेश के उपासक हैं तो भगवान गणेश का कवच लगा लीजिए। नारायण के उपासक हैं
नारायण कवच है, इसको लगाइए और चाहे तो सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लें। इसी प्रकार से भगवान भैरव का कवच है, लगाया जा सकता है। जो मुस्लिम भाई बंधु हैं वह अपने धर्म के मतानुसार जिसको लोग अशार कहते हैं वो लगा लें, जो जिस धर्म को मानता है। अशार का अर्थ भी जो उन्होंने बताया है उनके अनुसार वो एक कवच है, उसको पढ़ करके और अपने शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। वो आप किसी मुस्लिम पुस्तक में या किसी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर भी, तमाम उनके कवच लगाने की विधियां हैं वो कर सकते हैं। मित्रों, जो अदृश्य अगर शत्रु होते हैं तो अदृश्य शक्तियां भी होती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, ज्ञात अज्ञात। आने वाली मुसीबतों से भी रक्षा करती हैं, वर्तमान मुसीबतों से भी रक्षा करती हैं। जो हमें ज्ञात है, जैसे आपको किसी रोग के जीवाणु के बारे में पता है कि मलेरिया में कौन सा जीवाणु होता है इत्यादि इत्यादि, इसी प्रकार से किसी और जीवाणु विषाणु के बारे में तो इनका कवच का पाठ करना चाहिए। ये आस्था का विषय है, यह कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है, यह किसी आलोचना का विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। जब संसार में किसी भी तरीके से रक्षण ना हो रहा हो, ऐसे समय में परमपिता परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए, परमपिता परमात्मा की शरणागति लेनी चाहिए। जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी आप पूजते हो, जिसे भी आप चाहते हो, उनकी शरण आपको लेना चाहिए और इससे आपका संरक्षण अवश्य होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं किसी को यह सलाह नहीं दूंगा इस वीडियो में कि आप किस का कवच करें, इनका करें या उनका करें, नहीं कहूंगा। आप अपने अपने मतानुसार, अपने अपने संप्रदायानुसार आप कर सकते हैं। मुख्य है कि आप कवच लगाएं, कवच का पाठ करें, पठन करें। जीवन पर अगर भय हो, जीवन पर अगर काली छाया मंडरा रही हो मृत्यु की, तो इन कवचों का पाठ आप करें। अगर आप सनातन धर्मी हैं, इसके अलावा आप महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। जो लोग दीक्षित हैं वह लोग तो इसको करें ही करें, जो दीक्षित नहीं है अपने अपने गुरुओं से पूछ करके, अपने अपने गुरुओं से मंत्र ग्रहण करके, दीक्षा ले करके वह इस पाठ को करें। जप करें, मंत्रों का जप, भले ही आपने विधिवत उसकी साधना की हो या ना की हो, तो भी आपको उन मंत्रों का जप तो करना ही चाहिए।
कोई माला इत्यादि ना हो तो मानसिक जप तो करें ही। मानसिक जप करेंगे आपका रक्षण होगा, संरक्षण होगा। जहां कोई चीज काम नहीं करती संसार की, दुनियादारी की कोई चीज नहीं काम करती, वहां अदृश्य अलौकिक परमात्मा की शक्ति काम करती है, करती आई है और करती रहेगी। प्रिय मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।